हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, द मैजिक रग। ये क्लास फर्स्ट की स्टोरी है। ये मेरे बच्चे की इंग्लिश बुक में है, तो उसको ये स्टोरी नरेट करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए आप सबके लिए। तो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी नेम है द मैजिक रग। तो मैं आपको इस स्टोरी की समरी बताती हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। एक बॉय था रोहित, वो चुपचाप अपने ग्रैंडपा के रूम में आया। जो उसके ग्रैंडपा थे वो एक रोलिंग चेयर में सो रहे थे। क्या रोलिंग चेयर में अगर लेट जाओ या बैठ जाओ, वो हल्के हल्के हिलती रहती है और उसमें लेट के बाद रिलैक्स फील होता है और हम उसमें सो जाते हैं। तो उसने क्या करा, ग्रैंडपा की ड्रॉअर ओपन करी, खोली और उसमें से एक पर्पल कलर की रग निकाली, जो जिसमें की बहुत सारी मैजिकल पावर्स थी। तो जो रोहित था वो बहुत ही एक्साइटेड हुआ, क्योंकि उसने वो रग थी उसे मिल गई थी। उसने क्या किया, क्विकली और फटाक से उसने जो रग थी उसे खोल दिया, उसके रोल इट आउट यानी उसके जो रोल थी उसे आउट कहते खोल दिया और उसमें तुरंत बैठ गया। उसके बाद जो रग थी विंडो के थ्रू बाहर घर से बाहर निकल आई, जो उनके घर के आसपास की मार्केट थी वहां पर वो उस मार्केट के ऊपर वो उड़ने लगी। तो सबसे पहले आई सुपरमार्केट। वो जो रग थी सुपरमार्केट के ऊपर गोल गोल घूमने लगी। उसने रग के ऊपर से नीचे देखा तो उसने देखा कि उसकी फ्रेंड जो उसकी क्लासमेट थी दिया अपने छोटे भाई और फादर एंड मदर के साथ वो ग्रोसरीज खरीदने के लिए सुपरमार्केट आई है। फिर वो थोड़े और आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जो लो हाउसेस होते हैं यानी जो ग्राउंड फ्लोर के हाउसेस होते हैं, रग फ्लाई करते हुए उनके ऊपर से गुजरी। तभी उसने उसे एक साउंड सुनाई थी, जो थी किसकी साउंड थी, इंजन की साउंड थी। रोहित ने देखा कि अंकल स्नेक अपनी कार रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि उनके इंजन में कार के इंजन में कोई प्रॉब्लम थी तो उसको रिपेयर करने में वो लगे हुए थे। उसके बाद जो रक्ती फ्लाई करते हुए एक फूड सेंटर के पास आई। रोहित स्मेल द डिलीशियस करी, मतलब रोहित को एक अच्छी सी डिलीशियस सी करी की स्मेल उसने सूंघी। उसने कहा वाओ, ये तो मेरी फेवरेट डिश है। तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि उसे अपनी फेवरेट डिश की स्मेल आई। सडनली अचानक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो द रग होम। एक स्ट्रॉन्ग विंड आई और उसने रग को होम की ओर ब्लो कर दिया, उड़ा दिया। द रग क्रैशेस इन द फ्लावर वास। जो जैसे ही विंडो से रग अंदर आई तो वो एक फ्लावर वास से टकराई। उससे उसकी टूटने की आवाज से ग्रैंडपा उठ गए। तो रोहित ने अपने दादाजी से कहा, सॉरी मैंने आपसे पूछे बिना रग को ड्रॉर से निकाल दिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें कभी भी किसी से बिना पूछे कोई भी चीज उसकी यूज नहीं करनी चाहिए, ना किसी की चीज ऐसे उठानी चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप उससे पूछिए कि मैं ये चीज ले लूं, तो आपको अगर वो हाँ कहेगा तो उस चीज को आप यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको स्टोरी कैसे लगी मुझे बताइएगा। तो बच्चों, नेक्स्ट स्टोरी तक के लिए बाय बाय।